नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका S4SSC में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के विषय में, जो कि इस वर्ष मिलने वाला है गोपाल कृष्ण गांधी को। तो चलिए देखते हैं आज का ये न्यूज़ क्या है। देखिए, सांप्रदायिक सद्भावना एवं शांति को बढ़ावा देने के प्रयास को देखते हुए इस साल के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को चुना गया है। यह निर्णय 28 जुलाई को आयोजित पुरस्कार से जुड़ी सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया। यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दिया जाता है। इसे शांति, सांप्रदायिक सद्भाव के संदर्भ और हिंसा के खिलाफ लड़ाई में उनके दीर्घकालीन योगदान की याद में शुरू किया गया था। ठीक है, सलाहकार समिति के सचिव मोतीलाल वोरा ने एक बयान में कहा कि गोपाल कृष्ण गांधी के सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और भाईचारे के संदर्भ में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें चौबीसवा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, ये 24वां है। गांधी को यह पुरस्कार नई दिल्ली स्थित जवाहर भवन में 20 अगस्त को एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए नगद दिया जाता है। अब तक यह पुरस्कार मदर टेरेसा, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, मोहम्मद यूनुस, लता मंगेशकर, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, कपिला वात्सायन, तीस्ता सीतलवाड़, स्वामी अग्निवेश, के आर नारायणन, उस्ताद अमजद अली खान, मुजफ्फर अली और शुभा मुद्गल को मिल चुका है। तो दोस्तों, ये खास बातें क्या थी कि जो गोपाल कृष्ण गांधी है, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और इन्हें जो मिलने वाला है ये 24वां है। ठीक है, 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है, जो कि 2018 का है। इस वर्ष यानी 2018 का राजीव गांधी पुरस्कार है 24वां, और ये दिया जाएगा राजीव गांधी के जन्म तिथि पर, दिया जाएगा 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को, और ये कहाँ दिया जाएगा, 20 अगस्त को दिया जाएगा एक विशेष कार्यक्रम में, जवाहर भवन में, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।